तुम उससे शादी कर लो, टूलिप गार्डन तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम उससे शादी कर लो, निशांत गार्डन तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये बोल मेरे नहीं बल्कि कश्मीर के एक शख्स जिसका नाम आमिर है, उसने कहा है। आमिर टूलिप गार्डन में प्रैंक वीडियो शूट करने गया था और वहाँ पर टूरिस्ट के साथ बात करते करते उस शख्स ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, यकीन मानिए वो बहुत ही निंदनीय है। आमिर ने टूरिस्ट से ये कहा कि इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो आप भारत छोड़कर कश्मीर में कैसे पहुंचे हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि आमिर क्या कह रहा है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आमिर कह रहा है कि रशिया और यूक्रेन में जंग चल रही है, आप भारत छोड़ कश्मीर में कैसे आ गए हैं। यानी कि ये शख्स कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता है, इसलिए कह रहा है कि आप भारत छोड़कर कश्मीर में कैसे पहुंच गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस शख्स ने यह कहा कि यूक्रेन ने भारत पर हमला किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात, इस शख्स ने यह कही है कि भारत सरकार से अपील करता हूं कि ये टूरिस्ट जो है वो कश्मीर में फंस गए हैं, इनको यहां से वापस लिया जाए। यानी कि उस शख्स ने फेक रिपोर्टर बनकर ये जो बात की है, यकीन मानिए एक बहुत ही गलत इम्प्रेशन जो है वो इस समय भारत में जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। आपको मैं बता दूं कि इस आमिर की उम्र जो है 16 से 16.5 साल की बताई जा रही है और अयान की उम्र जो है वो 18 साल बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस शख्स को माफ़ कर दिया जाए, यानी कि आमिर नामक इस शख्स को अगर माफ़ कर दिया जाए ये सोचकर कि बच्चा है, गलती हो गई, तो यकीन मानिए कि कल को अगर इसने इससे भी कोई बड़ा काम कर दिया, यानी कि कुछ ऐसा कर दिया जिसकी इजाज़त हमारा संविधान बिल्कुल भी नहीं देता है, तो तब प्रशासन क्या करेगा? तब भी बच्चा समझ कर इसको छोड़ देगा? पहले आप लोग ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, मुझे इसके साथ शादी करनी है, ये टूलिप इसके नाम करूंगा। यस, कर सकते हैं, टूलिप इसके नाम करूंगा। हाँ, शायरी करना चाहते हो? शायरी शायरी नहीं, शादी करना चाहता हूँ, टूलिप इसके नाम करूंगा ना। अच्छा, यहाँ पर एक टूलिप है और निशात है, निशात आपके नाम, टूलिप इसके नाम। नो, हम साथ में ही रहेंगे जहाँ पे भी जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर भट्ट। तो आज मैं आया हूँ टूलिप गार्डन में, तो आइए हम यहाँ के टूरिस्ट से बात करते हैं, आखिर यहाँ पर कैसे पहुँचे, कश्मीर में कैसे पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम मैम, आप ठीक हो? आप कहाँ से हो? हम लोग अहमदाबाद से। अहमदाबाद से? आप भी वही से हो? गुजरात अहमदाबाद। अच्छा, आप यहाँ पर कैसे जिंदा कैसे बच गए हो आप? यूक्रेन ने हमला किया ना, हाँ, आप कैसे बच गए? आप कश्मीर में क्या कर रहे हो? यूक्रेन ने यहाँ थोड़ी हमला किया, यूक्रेन ने तो रशिया ने यूक्रेन में हमला किया है। हाँ, उसने रशिया में हमला किया ना, पर आप कैसे बच गए? हम बचे हुए ही हैं यहाँ पे, ये कैसे बच गए, कैसे आप? हमारे पे थोड़ी हमला हुआ है, हम लोग तो इंडिया में है, कश्मीर में यहाँ थोड़ी हमला हुआ है। अच्छा, आप लोग इंडिया में हो? ये इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया में है, इंडिया में हमला नहीं हुआ। तो नाजरीन, इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि इंडिया में बहुत सारा हमला हो चुका है, इसलिए मैं कश्मीर में भाग के आया हूँ मैं कश्मीर। भाई जी, हमने ऐसा कहा? आप ही ने बोला ना, आपने क्या बोला भाई? ऐसे क्या आपने बोला? यूक्रेन ने हमला किया, मैं दौड़ते भागा, कश्मीर आ गया। ऐसा बोला ही नहीं, आप अपनी बात बना रहे हो भाई, ऐसा हमने कुछ नहीं बोला है। आपने क्या बोला? हमने बोला हम यहाँ सही सलामत पहुंचे और अच्छे से घूम रहे हैं कश्मीर, और इंडिया में है, रशिया ने हमला किया, यूक्रेन पे किया है, वो यहाँ पे इंडिया में नहीं किया है। मेरी सुन, आपने बोला कैमरा के सामने, आपने बोला मैं इंडिया में था, वहाँ पर हमला हुआ और मैं भागते भागते कश्मीर आ गया। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला हमने, ऐसा कुछ हमने नहीं बोला। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, इनको जल्द से जल्द वापस बुलाओ, ये फंस चुके हैं कश्मीर में। तो नाजरी, मैं फिर से गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, इनको वापस ले लो, ये फंस चुके हैं कश्मीर में। नहीं, हम कश्मीर में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वेदर वगैरह काफी अच्छा है। अच्छा, क्या लग दी आपकी? मेरी वाइफ है। अच्छा, आप एक काम करो, हाथ पे पकड़ो, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ ना। हाँ। अच्छा, मुझे इसके साथ शादी करनी है, ये टूलिप इसके नाम करूंगा। यस,
करूंगा। हाँ? शायरी करना चाहते हो? शायरी नहीं, शादी करना चाहता हूँ, टूलिप इसके नाम करूंगा ना। अच्छा, यहाँ पर एक टूलिप है और निशात है, निशात आपके नाम, टूलिप इसके नाम। नो, हम साथ में ही रहेंगे जहाँ पे भी जाएंगे। तो फिर क्या, मैं क्या रिपोर्टिंग कर रहा हूँ? आप रिपोर्ट, आप न्यूज पर, मैं न्यूज पर हूँ ना। आप रिपोर्टिंग करिए, हम लोग साथ में रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। नहीं, मैं इसके नाम करूंगा ये टूलिप गार्डन। ना, नहीं चाहिए हमको। आप क्यों नहीं चाहते? ना, हम लोग, हमारे पास जो है वो नहीं। नहीं, आपके नाम निशात, उसके नाम टूलिप। आप जा सकते हो, जो है वो ठीक है, जो है वो ठीक है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ये आमिर नामक शख्स जो है फेक रिपोर्टर बनके हालांकि प्रैंक शूट कर रहा था, लेकिन सवालों पर आपने गौर फरमाया। इस शख्स ने क्या कहा कि यूक्रेन ने भारत पर अटैक कर दिया है और आप भारत छोड़कर कश्मीर में आए हैं, आप यहां फंस गए हैं, भारत सरकार से अपील करता हूं कि इनको तुरंत यहां से इवैक्यूएट किया जाए, यानी कि भारत वापस बुलाया जाए। अगर जरा गंभीरता से सोचेंगे तो क्या इस आमिर नामक शख्स को क्या ये नहीं मालूम कि कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है, या फिर ये आमिर नामक शख्स जो है कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है, और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसको भी ये भारत में लेकर आ गया, यूक्रेन ने भारत पर अटैक कर दिया। इस प्रकार के वाहियात सवाल जो हैं वो किए गए, और साथ ही साथ ये कहा गया कि तुम मुझसे, उस महिला से ये सवाल किया गया कि तुम मुझसे शादी कर लो, टूलिप गार्डन तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, निशान गार्डन तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो ज़रा इस आमिर नामक शख्स से ये सवाल मैं पूछता हूँ कि क्या टूलिप गार्डन तुम्हारा है, क्या निशान गार्डन तुम्हारा है जो तुम उस महिला से शादी करके उसको तोहफे में दोगे? उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्त से सख्त कदम उठाएगी, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बच्चा है, बच्चा समझकर इसको माफ़ कर दीजिएगा। यकीन मानिए कि अगर आज माफ़ कर दिया तो आने वाले समय में यही बच्चा कोई बड़ी गलती करेगा, और उस समय भी क्या ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं ये आकर कहेंगे कि बच्चा है, बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर कड़े से कड़ा संज्ञान लेगी और कड़ी सी कड़ी कार्रवाई भी करेगी, ताकि जम्मू कश्मीर का जो एक अच्छा मैसेज है वो पूरे भारत में जाना चाहिए, ना कि इस प्रकार का मैसेज जो है वो भारत में जाना चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।